द नेम ऑफ ऑलमाइटी, टाइप्स ऑफ पोएटिक फॉर्म हम लोग देख रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है गाइस। और अगर हम देखें कि सबसे पहले अगर हम देखें, एपिक से शुरू हुई है बात, एपिक से बैले में गई, बैले से ओड में गई, ओड से एलेजी, एलेजी के बाद सोनेट में गई, सोनेट से राइम्ड पोइट्री, फिर ब्लैंक वर्स। तो आप देख रहे हैं किस फ्लो में ये आपका चार्ट सीधे सीधे जा रहा है। आप क्लियर कट अगर देखेंगे तो किस फ्लो में ये चार्ट जा रहा है, तो पहले एपिक आया, एपिक के बाद बैले आया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक कर्सरी ग्लांस ले लेते हैं। तो एपिक क्या है आपका, मैंने बताया था एपिक इज अ ग्रैंड टेल इन वर्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें टेल, जो टेल वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिक इज ग्रैंड टेल इन वर्स, ठीक है, ग्रैंड टेल है वर्स में। और अगर एपिक और बैले में डिफरेंस देखें गाइस, तो जो बैले है वो क्या है, मिनी एपिक है। क्या है? मिनी एपिक इन वर्स है बैले। क्या है? मिनी एपिक इन वर्स है, ठीक है। अब अगर इसमें आगे बढ़े हम ओड एलेगी में, तो ओड में क्या है, ओड का मतलब, ओड का मतलब बेसिकली क्या होता है हम लोग जानते हैं, ओड का बेसिकली मतलब होता है एड्रेस पोएम। बहुत शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, फिर हम लोग डिटेल करेंगे बेटा। ओड को हम क्या कहते हैं, एड्रेस पोएम, ठीक है। सारे बच्चे देखेंगे, नेट के लेवल का एक क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी पोएम में हम एड्रेस करते हैं किसी चीज को, तो हम उस चीज को एड्रेस करके बेसिकली कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि शेले कहता है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओड है, ओड टू द वेस्ट विंड, ठीक है। ओ दाओ सिल्वन हिस्टोरियन, कीट्स कहते हैं। तो कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं हम ओड में, जिसमें हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एड्रेस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर एपिस्ट्रॉफ, नोट कर लेना। एपिस्ट्रॉफ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं किसी चीज को ना, एड्रेस करते हैं, एड्रेस पोएम जिसको हम कहते हैं। एड्रेस पोएम, और साथ साथ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एड्रेस इज नॉन लिविंग थिंग इज एड्रेस्ड, ऐसे कर लो। नॉन लिविंग थिंग इज एड्रेस्ड, उसको क्या कहते हैं बेटा, एपिस्ट्रॉफ कहते हैं। तो जैसे अगर मैंने बोला ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, तो आपने यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया, एपोस्ट्रॉफ यूज किया। क्लियर हो गया सब लोगों को? यहां तक का क्लियर हो गया सब लोगों को? आगे बढ़ते हैं गाइस। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, तो ओड, एलेजी, सनेट, राइम्ड पोइट्री, ब्लैंक वर्स, इन सारे चीजों के बारे में हमने डिटेल में अब देखते हैं छोटा सा। तो इस पीडीएफ को आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल जो भी आप हमारा देखेंगे उसमें आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप का ऐप, टेलीग्राम ऐप का लिंक दिखेगा, वहां आप देख ले सकते हैं, है ना। तो जैसे मैंने कहा ब्लैंक वर्स, राइम्ड पोइट्री, इन पर मैं थोड़ी बहुत बात कर चुका हूँ। तो आज थोड़ा डिटेल में सनेट के बारे में हम लोग देखते हैं गाइस। ये सारी जो छोटी छोटी डेफिनेशन है इनको मैं फिर कराता हूँ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है हमारा, टाइप्स ऑफ सनेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या टाइप ऑफ सनेट है हमारे पास, है ना। तो सबसे पहले अगर शुरू करें तो इटालियन सनेट, जिसको हम पेट्रार्कन सनेट भी कहते हैं गाइस, इसी को हम इंग्लिश सनेट या शेक्सपियरियन सनेट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा फिर हम देखते हैं स्पेंसेरियन सनेट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फिर मिल्टोनिक सनेट एक डेवलपमेंट है मिल्टन का, और फिर कर्टल सोनेट, जिसको हम 10½ लाइन सनेट भी कहते हैं, 10½ लाइन सनेट।
और फिर हमने कहा मॉडर्न लव जो कि किसका है, जॉर्ज मेरेडिथ का है। मॉडर्न लव क्या है, जॉर्ज मेरेडिथ का है। ये मॉडर्न लव क्या है, कलेक्शन ऑफ 51 सनेट्स है, नोट कर लेना, 51 सनेट्स का कलेक्शन है, नहीं सॉरी 50 सनेट्स का कलेक्शन है, जिसमें कि कितनी लाइन का सनेट है, 16 लाइन सनेट्स हैं, नोट कर लो सब लोग। जॉर्ज मेरेडिथ का ये लव पोइट्री का कलेक्शन है जिसमें कि 50 सनेट्स हैं टोटल, और वो कितनी लाइन्स के हैं गाइज, 16 लाइन के सनेट्स हैं, नोट कर रहे हैं सब। और ये किसने लिखे हैं, जॉर्ज मेरेडिथ ने लिखे हैं। नाम क्या है इसका, मॉडर्न लव। वैसे सनेट्स कितनी लाइन के होते हैं आपको पता ही है, सनेट्स इज अ शॉर्ट पोएम इटालियन फॉर्म विच इज ऑफ 14 लाइन्स। बट क्वेश्चन ये बनेगा कि मॉडर्न लव में जॉर्ज मेरेडिथ के सनेट्स कितनी लाइन के थे, उन्होंने कितनी लाइन का एक्सपेरिमेंट किया, तो वो कितनी लाइन के थे बेटा, 16 लाइन के सनेट्स थे, 50 सनेट्स टोटल लिखे थे। जॉर्ज मेरेडिथ कौन सी एज के हैं ये भी नोट कर लेना, हम कहेंगे विक्टोरियन एज। कौन सी एज के हैं, विक्टोरियन एज के हैं, नोट कर लो सब लोग। सो वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल इज दैट द सेनेट्स, इटालियन सेनेट या पेट्रार्कम सेनेट की अगर हम बात करें, तो ये पेट्रार्क के नाम से आया है, जिनको कि हम कहते हैं कि फादर ऑफ जो है इटालियन सोनेट्स कहते हैं पेट्रार्क को। तो पेट्रार्क ने बहुत ही फेमस एक पोइट्री कलेक्शन लिखा है, और बहुत इम्पोर्टेंट वो पोइट्री कलेक्शन है। रीमे स्पार्स, बहुत बार आएगा क्वेश्चन, ये पेट्रार्क के इटालियन सोनेट कलेक्शन का नाम है गाइस, रीमे स्पार्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, रीमे स्पार्स। और इसी को हमने देखा कि बेसिकली ये जो पेट्रार्क की बिलवेड थी लॉरा, उनको डेडिकेटेड था। पेट्रार्क 14th सेंचुरी के इटालियन पोएट हैं, इनको हम और क्या बोलते हैं, इनको हम फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ क्लास के सामने, एलटी उत्तराखंड में क्वेश्चन आया था कि कि सनेट्स का ओरिजिनली सबसे पहली बार यूज किसने किया। ऑप्शन में एक पेट्रार्क भी था, बट जो इसका आंसर है, देखो फादर तो सोनेट्स के पेट्रार्क माने गए, मगर इसका जो ऑफिशियली पहला यूज किसने किया था, लेंटिनी ने। किसने किया था, लेंटिनी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लेंटिनी वॉज द फर्स्ट सेनेट या सेनेटियर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और शुड आई से यूरोपियन हिस्ट्री। इट वॉज मेड मोर पॉपुलर इन इटली इन 14th सेंचुरी बाय पेट्रार्क, बट इसको इंग्लिश में कौन लेकर आया, इंग्लिश में पेट्रार्क को कौन लेकर आया इंग्लिश में, यहाँ पर फादर हमने लिखा है ये थॉमस व्याट, ये कौन से हैं, ये इंग्लिश में इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश पोइट्री या इंट्रोड्यूस्ड टू इन इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री में थॉमस व्याट ने इसको इंट्रोड्यूस करा, किसको, पेट्रार्कन सनेट्स को। पेट्रार्कन सनेट्स क्या होते हैं बेटा, पेट्रार्कन सनेट्स में बेसिकली 14 लाइन्स का जो डिविजन होता है वो कैसे होता है, 8 + 6, 8 क्या होता है आपका, ऑक्टेव होता है, और 6 क्या होता है आपका, सेस्टेट होता है। तो ऑक्टेव प्लस सेस्टेट मिलके क्या बनता है आपका, मैंने बताया कि सेनेट कलेक्शन बनता है, ठीक है, 8 + 6। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑक्टेव 8 लाइन का कितने में डिवाइड हो जाता है, 2 क्वाटरेंस में। किस में डिवाइड हो जाता है, 2 क्वाटरेंस में डिवाइड हो जाता है। और जो सेस्टेट है यानी कि 6 लाइन का, वो किस में डिवाइड हो जाता है, 2 टर्सेट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये 2 टर्सेट में हो गया, ये 2 क्वाटरेंस में हो गए। क्लियर सबको,
अब इसी तरह अगर हम इंग्लिश सनेट या शेक्सपियरियन सनेट की बात करें, तो इंग्लिश सनेट या शेक्सपियरियन सनेट को हम क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा यहाँ पर गाइस। इंग्लिश सनेट या शेक्सपियरियन सनेट को हम कहते हैं एलिजाबेथन सनेट भी कह देते हैं इसको। नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंग्लिश सनेट या शेक्सपियरियन सनेट को एलिजाबेथन सनेट भी कहते हैं। देखो इसके जो फादर हैं वो कौन है? सरे, जो कि एक अर्ल ऑफ सरे कहलाए गए। अर्ल ऑफ सरे का एक्चुअल नेम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया गाइज, तो इनका जो एक्चुअल नेम है वो क्या है? हेनरी हॉवर्ड है। अर्ल ऑफ सरे का एक्चुअल नेम क्या है? हेनरी हॉवर्ड। ठीक है, क्लियर हो रहा है सब लोगों को? अर्ल ऑफ सरे का एक्चुअल नेम है हेनरी हॉवर्ड। ठीक, और सबसे बड़ी बात है कि अर्ल ऑफ सरे में ये क्वेश्चन भी बनेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अर्ल ऑफ सरे जो है वो आपके किनके डिसिपल थे। तो ही वॉज द डिसिपल ऑफ थॉमस व्याट। तो अर्ल ऑफ सरे वॉज द डिसिपल ऑफ थॉमस व्याट। इनका एक्चुअल नेम हेनरी हॉवर्ड था, और ये शेक्सपियर भी कई बार शेक्सपियरियन सोनेट के फाउंडर माने गए, बट शेक्सपियर ने इसको पॉपुलर कराया। नोट कर लेना, शेक्सपियर पॉपुलराइज्ड शेक्सपियरियन सोनेट, बट हु इंट्रोड्यूस्ड इट? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, वी कैन से अर्ल ऑफ सरे, जिनका एक्चुअल नेम, अर्ल ऑफ सरे का एक्चुअल नेम क्या था गाइज? हेनरी हॉवर्ड। क्या नाम था इनका? हेनरी हॉवर्ड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये क्वेश्चन बनता है आपका। हेनरी हॉवर्ड इनका एक्चुअल नेम था। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गया सबको? अब स्पेंसेरियन सनेट की बात करें तो हाँ, इंग्लिश सनेट में एक और ट्रिक है गाइज। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है इसमें कि ये और स्पेंसेरियन सनेट दोनों को समझ लेना, एक साथ बताऊंगा। इंग्लिश सनेट में भी क्या होते हैं? थ्री क्वार्टरेन होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? थ्री क्वार्टरेंस के अलावा एक कपलेट होता है। थ्री क्वार्टरेंस प्लस वन कपलेट। थ्री क्वार्टरेंस और वन कपलेट, बहुत बार एग्जाम्स में आया है ये क्वेश्चन। सेम चीज यहां पर भी होती है। थ्री क्वार्टरेंस प्लस वन कपलेट। अब ध्यान देना, मगर दोनों में जो राइम स्कीम्स होती हैं वो अलग हो जाती हैं। क्वार्टरेन का मतलब 4 लाइन का स्टैंजा, कपलेट का मतलब 2 लाइन का स्टैंजा। ठीक है, और तो मतलब 3 × 4, अगर मैं बात करूं 3 × 4 + 1 × 2, यहां पर भी ऐसे ही होगा। 3 × 4 + 1 × 2, क्लियर? अब यहां पर क्या होता है गाइस? यहां पर हो जाता है ए बी ए बी, सी डी सी डी। राइम स्कीम नोट करो, इसको 5 स्टार कर देना। ई एफ जी जी, ये राइम स्कीम है इसकी। राइम स्कीम बोले तो लास्ट की लाइंस का जो राइम का पैटर्न है। तो ए बी सी डी सी डी, ई एफ जी जी, थ्री क्वार्टरेन हो गए और एक कपलेट हो गया। ठीक है, बट यहाँ की जो स्पेंसेरियन सोनेट की राइम स्कीम होती है गाइज, वो क्या होती है? वो बेसिकली वही चीज होती है। इसमें राइम स्कीम चेंज हो जाती है, मगर इंटरलॉक्ड सोनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंटरलॉक्ड सोनेट्स। तो अगर हम देखें, बात करेंगे यहाँ सारे बच्चे, इंटरलॉक्ड सोनेट्स मतलब क्या है इसमें? ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी, ई ई, ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी, ई ई, ये इसमें है। ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी, ई ई, क्लियर हो गया? अब इसमें लॉकिंग हो रही है यहाँ पर सोनेट्स की ना, इसका बी यहाँ लॉक हो रहा है।
और इसका सी यहाँ लॉक हो रहा है, तो आप देख रहे हैं इंटरलॉक्ड सोनेट्स हैं ये। बी इसका यहाँ लॉक हो गया और इसका सी यहाँ लॉक हो गया, तो उसको हम इंटरलॉक्ड सोनेट्स कहते हैं गाइस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जबकि आप यहाँ पर देखिए, सारे बच्चे मेरे साथ लेफ्ट में देखेंगे, इसका बी यहाँ पर इसके साथ लॉक नहीं है, यहाँ पर नया एक वर्ड या नया साउंड आ गया, तो सी डी सी डी का। इसका डी यहाँ पर लॉक नहीं है, तो इसीलिए हम स्पेंसेरियन सोनेट को इंटरलॉक सोनेट्स कहते हैं। इसमें जो सबसे फेमस कलेक्शन है वो क्या है, एमोरेटी। एमोरेटी 88 सोनेट्स का कलेक्शन है, जिनको सनेट साइकिल्स भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, सनेट साइकिल्स। इसका जो प्रोनंसिएशन है वो सनेट है, ना कि सोनेट, इट्स सनेट, ठीक है। तो 88 सनेट्स की साइकिल हो गई यहाँ पर, नोट कर रहे हैं सब लोग। ऐसी अगर फटाफट इस टॉपिक को क्लोज करने की बात करें, तो मिल्टोनिक सोनेट अगर हम लोग देखें, तो मिल्टोनिक सोनेट भी पेट्रार्कन सोनेट की ही तरह हो जाता है। यानी कि ये भी किस पैटर्न पर चलता है, 8+6 के पैटर्न पर चलता है। ये मिल्टन ने इन्वेंट किए थे, और मिल्टोनिक सोनेट्स की जो जो थीम होती है वो सीरियस और फिलोसफिकल होती है। और मिल्टोनिक सोनेट का सबसे फेमस एग्जाम्पल है कौन सा, एग्जाम्पल ऑन हिज ब्लाइंडनेस, नोट कर लेना। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एलटी और लेक्चर में कि मैं बता नहीं सकता। ऑन हिज ब्लाइंडनेस वैसे तो पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं, बट ये मिल्टोनिक सोनेट का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि मिल्टन ने लिखा है। मिल्टन लिखते पेट्रार्कन शैली में ही थे, बट सीरियस थीम होती है इनमें और फिलोसफिकल होते हैं ये सोनेट्स। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोनेट है, ठीक है ना। एंड इसकी जो लास्ट लाइन है वो बहुत बार आती है, दोज ऑल्सो सर्व हु जस्ट स्टैंड एंड वेट। ईश्वर के सही साथी वो भी हैं जो सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं, दोज ऑल्सो सर्व हु जस्ट स्टैंड एंड वेट, ठीक है, क्लियर। तो इसके बाद फिर कर्टल सोनेट की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने बताया कर्टल सोनेट को हमने 10½ लाइन सोनेट भी बोला है, और एग्जाम में आता है कि इसके फादर कौन है, जी एम हॉपकिंस हैं। तो हॉपकिंस की अगर हम बात करें, तो हॉपकिंस क्या है, जेराड मेनले हॉपकिंस, इनको क्या कहा जाता है गाइज, विक्टोरियन प्रोजोडिस्ट कहा जाता है। विक्टोरियन एज के ऐसे पोएट जिन्होंने अपने एक नई शैली में, ठीक है, सोनेट्स को निकाला, उसको हम कहते हैं विक्टोरियन प्रोजोडिस्ट। तो कर्टल सोनेट या 10½ लाइन के सोनेट जिन्होंने लिखे, तो एक एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका। क्लियर हो गया सब लोगों को? आगे बढ़ते हैं। प्रोजोडिस्ट का मतलब क्या है, वन हु एक्सपेरिमेंट्स विद न्यू मीटर, जो नए मीटर के साथ एक्सपेरिमेंट करता है उसको हम कहते हैं प्रोजोडिस्ट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आएगा ये क्वेश्चन। प्रोजोडिस्ट इज वन हु इन्वेंट्स न्यू मीटर्स इन पोइट्री। याद रखना प्रोजोडी पोइट्री में आएगा, प्रोज में नहीं आएगा, ठीक है। और विक्टोरियन एज के हैं। मॉडर्न लव के बारे में मैंने बताया दिया था, 16 लाइन सनेट्स हैं। तो साथियों ये एक छोटी सी प्रस्तुति थी सनेट्स पर। इन पर फिर आगे हमारी और भी सीरीज जारी रहेगी,